वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरु नानक देव जी के जीवन काल की इस एपिसोडिक सीरीज के 10वें एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा में जगन्नाथ पुरी पहुंच जाते हैं। जिस दिन वो जगन्नाथ पहुंचते हैं उस दिन पूर्णवासी होती है, इसलिए उस दिन वहां पर मेला लगा हुआ होता है। लोग मन्नतें मांगने के लिए वहां पहुंचे होते हैं। इस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान की एक 84 फीट बड़ी एक मूर्ति है जिसका नाम जगन्नाथ है। हर साल उस मूर्ति को रथ के ऊपर रखकर एक जुलूस निकाला जाता है। लोगों का मानना था कि ब्रह्मा जी का कहना है कि जो भी उस रथ के नीचे आकर अपना दम तोड़ देता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण कई लोग अपना सब कुछ त्याग कर उस रथ के नीचे आकर अपने प्राण त्याग देते थे। जब गुरु नानक देव जी वहां थे तो उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो वहां एक मूर्ति के आगे बैठा हुआ था और आंखें बंद करके अपने हाथ में रखी माला को चला रहा था। तब वहां गुरु नानक देव जी ने उस ब्राह्मण को जाके पूछा, आप आंखें बंद करके किसका सिमरन कर रहे हो जबकि मूर्ति तो आपके सामने है? तब उस ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, जब मैं आंखें बंद करके सिमरन करता हूं तो मुझे तीनों लोक नजर आ जाते हैं, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। उत्तर देने के बाद उस ब्राह्मण ने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। तब गुरु नानक देव जी ने उस ब्राह्मण के आगे से वो मूर्ति जहां लोग पैसा दान करते थे उठाकर उस ब्राह्मण के पीछे रख दी। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो मूर्ति वहां नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और रोने चिल्लाने लग जाता है। ऐसा करते देख गुरु नानक देव जी उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि भगत जी, इसमें इतना घबराने की क्या बात है, आप अपनी आंखें बंद करो और देखो कि आपकी मूर्ति कहां है। आप तो आंखें बंद करके तीनों लोक के दर्शन कर लेते हो तो आपको मूर्ति तो बहुत आराम से मिल जाएगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण समझ गया कि गुरु नानक देव जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस ब्राह्मण ने बोला, मैं उस मूर्ति के जरिए अपना गुजारा करता था, आंखें बंद करके मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सुनने के बाद गुरु नानक देव जी ने बोला, भगत जी ये आपकी दूसरी गलती है। ये सोचना कि तुझे रोटी ये मूर्ति देती थी इंसान के भोजन का रास्ता तो उस परमात्मा ने पहले से ही तय कर रखा है। ये मूर्ति ना तो तुमको भोजन दे सकती है और ना ही भोजन को छीन सकती है। मूर्ति की पूजा या तीर्थ स्थान पर ढोंग ये सब किसी काम के नहीं। अगर कुछ फलदायी है तो वो है परमात्मा का सिमरन। उस परमात्मा का सच्चा सिमरन कर और अपना जीवन सफल कर। तब उस ब्राह्मण ने बोला, यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो खाऊंगा क्या? तब गुरु नानक देव जी ने बोला कि तूने तो कहा था कि आंखें बंद करके तीनों लोक नजर आते हैं, लेकिन क्या तुझे परमात्मा नजर नहीं आता जो पूरी सृष्टि के पालन पोषण का ध्यान रखता है? वही परमात्मा तुझे भी खाने के लिए देगा। केवल हमें झूठ को त्याग कर सच को अपनाना है और परमात्मा का सच्चा सिमरन करना है। इस साक्षी में गुरु नानक देव जी किसी धर्म के विरुद्ध बात नहीं कर रहे थे। वो तो धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड और लोगों को धर्म के नाम पर कैसे पागल बनाया जाता है उसके खिलाफ थे। वहां पर लोगों को परमात्मा का सच्चा सिमरन करने का उपदेश देकर गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी ने इन उदासियों में आगे के सफर में क्या किया और क्या क्या उपदेश दिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।